यहाँ पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम है। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। जहां शाम 4:30 बजे सीएम नीतीश कुमार के गांधी मैदान में पहुंचने का समय रखा गया है। तो वहीं बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस बार पटना में 80 फीट रावण की हाइट है और 75 फीट मेघनाथ, तो वहीं 70 फीट का कुंभकर्ण तैयार किया गया है। सुरक्षा के दौरान 128 CCTV लगाए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, उस पर एक नजर। देश समेत पूरे बिहार में आज विजयदशमी मनाई जा रही है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर रावण वध होता है, रावण दहन होता है। काफी सालों से यहां पर मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक गांधी मैदान की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर आज रावण दहन जो है वो होगा। देखिए, आप देख सकते हैं तीनों रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की जो प्रतिमा है वो बनाई गई है, और सबसे ऊंचा जो रावण है वो करीब करीब 85 फीट का रावण जो है यहाँ पर बनाया गया है, और सुरक्षा के मद्देनजर तमाम पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया। देखिए, ये वही ऐसी ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहाँ पर सदियों से जो है रावण दहन किया जाता है। करीब 59 सालों से यहाँ पर रावण दहन हो रहा है, और देखिए एक बार फिर से पूरा गांधी मैदान जो है वो सजकर तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि सोने की लंका जो है वो बनाई गई है। 4 बजे का वो वक्त रखा गया है जब रावण दहन जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर समेत तमाम गणमान्य अतिथि जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए किस तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जगहों पर पुलिस को तैनात किया गया है, और दूसरी तरफ एक बड़ा मंच बनाया गया है जिस मंच पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम जो बड़े गणमान्य अतिथि हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साफ लिखा हुआ है श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट की तरफ से ये रावण दहन कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। रामलीला महोत्सव जो है रावण वध होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां जो है यहाँ पर की गई है। 4 बजे का वक्त बताया गया है जब रावण दहन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद रावण दहन जो है वो किया जाएगा। देखिए, करीब 59 सालों से यहाँ पर रावण दहन जो है किया जाता है, और इस बार भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। देखिए किस तरीके से स्टेज बनाया गया है, जहां से खड़े होकर जो अलग अलग जो प्रतिमा बनाई गई है, रावण की है, मेघनाथ की है, कुंभकर्ण की है, तीनों को कह सकते हैं कि जो जलाया जाएगा। प्रभु श्री राम जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और उसके अलावा देखिए तमाम फायर ब्रिगेड की वो खास गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां जो है वो लगाई गई है ताकि किसी तरीके की हताहत की खबर ना हो। उसके अलावा जो मोबाइल वैन्स होते हैं, खासकर फायर ब्रिगेड के मोबाइल की जो गाड़ियां हैं वो भी इस बार दी गई हैं ताकि यहाँ पर किसी तरीके की हताहत की कोई खबरें नजर ना आए। वक्त थोड़ा और बचा हुआ है, और भीड़ जो है लगातार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंच रही है। वीडियो चैनल सत्य कुमार के साथ उत्कर्ष न्यूज नेशन। जहां पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम है। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। जहां शाम 4:30 बजे सीएम नीतीश कुमार के गांधी मैदान में पहुंचने का समय रखा गया है। तो वहीं बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस बार पटना में 80 फीट रावण की हाइट है और 75 फीट मेघनाथ, तो वहीं 70 फीट का कुंभकर्ण तैयार किया गया है। सुरक्षा के दौरान 128 CCTV लगाए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, उस पर एक नजर। देश समेत पूरे बिहार में आज विजयदशमी मनाई जा रही है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर रावण वध होता है, रावण दहन होता है। काफी सालों से यहां पर मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक गांधी मैदान की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर आज रावण दहन जो है वो होगा। देखिए, आप देख सकते हैं तीनों रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की जो प्रतिमा है वो बनाई गई है, और सबसे ऊंचा जो रावण है वो करीब करीब 85 फीट का रावण जो है यहाँ पर बनाया गया है, और सुरक्षा के मद्देनजर तमाम पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया। देखिए, ये वही ऐसी ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहां पर सदियों से जो है रावण दहन किया जाता है। करीब 59 सालों से यहां पर रावण दहन हो रहा है, और देखिए एक बार फिर से पूरा गांधी मैदान जो है वो सजकर तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि सोने की लंका जो है वो बनाई गई है। 4 बजे का वो वक्त रखा गया है जब रावण दहन जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर समेत तमाम गणमान्य अतिथि जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए किस तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जगहों पर पुलिस को तैनात किया गया है, और दूसरी तरफ एक बड़ा मंच बनाया गया है जिस मंच पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम जो बड़े गणमान्य अतिथि हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साफ लिखा हुआ है श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट की तरफ से ये रावण दहन कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। रामलीला महोत्सव जो है रावण वध होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां जो है यहाँ पर की गई है। 4 बजे का वक्त बताया गया है जब रावण दहन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद रावण दहन जो है वो किया जाएगा। देखिए, करीब 59 सालों से यहाँ
यहाँ पर रावण दहन जो है किया जाता है और इस बार भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। देखिए किस तरीके से स्टेज बनाया गया है, जहाँ से खड़े होकर दो अलग अलग जो प्रतिमा बनाई गई है, रावण की है, मेघनाथ की है, कुंभकर्ण की है, तीनों को कह सकते हैं कि जो जलाया जाएगा। प्रभु श्री राम जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके अलावा देखिए तमाम फायर ब्रिगेड की वो खास गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां जो है वो लगाई गई है ताकि किसी तरीके की हताहत की खबर ना हो। उसके अलावा जो मोबाइल वैन्स होते हैं, खासकर फायर ब्रिगेड के मोबाइल की जो गाड़ियां हैं वो भी इस बार दी गई हैं ताकि यहाँ पर किसी तरीके की हताहत की कोई खबरें नजर ना आए। वक्त थोड़ा और बचा हुआ है और भीड़ जो है लगातार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंच रही है। वीडियो चैनल सत्य कुमार के साथ उत्कर्ष न्यूज नेशन चलेंगे, जहां पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम है। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे, जहां शाम 4:30 बजे सीएम नीतीश कुमार के गांधी मैदान में पहुंचने का समय रखा गया है। तो वहीं बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस बार पटना में 80 फीट रावण की हाइट है और 75 फीट मेघनाथ, तो वहीं 70 फीट का कुंभकर्ण तैयार किया गया है। सुरक्षा के दौरान 128 CCTV लगाए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। न्यूज स्टेट संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, उस पर एक नजर। देश समेत पूरे बिहार में आज विजयदशमी मनाई जा रही है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर रावण वध होता है, रावण दहन होता है। काफ़ी सालों से यहां पर मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक गांधी मैदान की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर आज रावण दहन जो है वो होगा। देखिए आप देख सकते हैं तीनों रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण की जो प्रतिमा है वो बनाई गई है और सबसे ऊँचा जो रावण है वो करीब करीब 85 फीट का रावण जो है यहाँ पर बनाया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर तमाम पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया। देखिए ये वही ऐसी ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहाँ पर सदियों से जो है रावण दहन किया जाता है। करीब 59 सालों से यहाँ पर रावण दहन हो रहा है और देखिए एक बार फिर से पूरा गांधी मैदान जो है वो सजकर तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ देख सकते हैं कि सोने की लंका जो है वो बनाई गई है। 4 बजे का वो वक्त रखा गया है जब रावण दहन जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर समेत तमाम गणमान्य अतिथि जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखिए किस तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जगहों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और दूसरी तरफ एक बड़ा मंच बनाया गया है जिस मंच पर खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम जो बड़े गणमान्य अतिथि हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साफ लिखा हुआ है श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट की तरफ से ये रावण दहन कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। रामलीला महोत्सव जो है रावण वध होगा। आप देख सकते हैं किस तरीके की तैयारियां जो है यहाँ पर की गई हैं। 4 बजे का वक्त बताया गया है जब रावण दहन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद रावण दहन जो है वो किया जाएगा। देखिए करीब 59 सालों से यहाँ पर रावण दहन जो है वो किया जाता है और इस बार भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। देखिए किस तरीके से स्टेज बनाया गया है, जहाँ से खड़े होकर दो अलग अलग जो प्रतिमा बनाई गई है, रावण की है, मेघनाथ की है, कुंभकर्ण की है, तीनों को कह सकते हैं कि जो जलाया जाएगा। प्रभु श्री राम जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके अलावा देखिए तमाम फायर ब्रिगेड की वो खास गाड़ियां, दमकल की गाड़ियां जो है वो लगाई गई हैं ताकि किसी तरीके की हताहत की खबर ना हो। उसके अलावा जो मोबाइल वैन्स होते हैं, खासकर फायर ब्रिगेड के मोबाइल की जो गाड़ियां हैं वो भी इस बार दी गई हैं ताकि यहाँ पर किसी तरीके की हताहत की कोई खबरें नजर ना आए। वक्त थोड़ा और बचा हुआ है और भीड़ जो है लगातार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंच रही है। वीडियो